और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर में पुलिस का हॉस्टलों की जांच का बड़ा सर्च अभियान, कई हॉस्टलों से संदिग्धों को पूछताछ के लिए पकड़ा। श्री गंगानगर में गत माह जॉर्डन हत्याकांड के बाद उपजे हालातों के बाद आज शनिवार सुबह पुलिस ने शहर भर के हॉस्टलों का सर्च अभियान शुरू किया। विभिन्न पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एक साथ शुरू की गई कार्यवाही से हॉस्टलों में हड़कंप मच गया। शहर के लोगों को भी अचानक लगा कि पुलिस क्या कार्यवाही करने जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही पुलिस कार्यवाही को देखने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। पुलिस ने इनको भगाया ताकि कार्यवाही में बाधा नहीं आए। पता चला है कि पुलिस के पास एक गोपनीय सूचना मिली है कि कोई गैंगस्टर का गुर्गा श्रीगंगानगर में रात्रि को आया हुआ है। पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की। आप देख रहे हैं SBT न्यूज। शनिवार सुबह रिद्धि सिद्धि में बने कई हॉस्टलों और PG को खंगालने के लिए CO ग्रामीण दिनेश मीना के नेतृत्व में कार्यवाही शुरू की गई। पुलिस लाइन से मंगवाए गए जाब्ते के साथ सदर थाना पुलिस की बड़ी संख्या में हॉस्टलों पर धावा बोला। मॉल के सामने बने एक छोटे से हॉस्टल से 10-12 संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया। इसी तरह CO सिटी तुलसीदास पुरोहित के नेतृत्व में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बने हॉस्टलों पर पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। शहर के विभिन्न थानों के इंचार्ज और भारी संख्या में पुलिस बल कार्यवाही में लगा हुआ है। गैंगस्टरों द्वारा शहर के अमीर लोगों को मिल रही धमकियां और फिरौती की मांग के बाद शहर भर में चिंता और रोष का माहौल है। शहर के लोग पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलकर पुलिस कार्यवाही में सहयोग देने और सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। सीओ टाइगर साहब के आदेश से ऑपरेशन सर्च चलाया गया और इसके तहत पूरे शहर में जहाँ जहाँ PG है या कैदार रह रहे हैं उन सब की क्या सर्च करके उनका रिकॉर्ड है जो मेंटेन करवाया जाएगा। कोई अगर कोई कमियां पाई जाएगी तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कमी पाई गई सर? नहीं, अभी तक कोई ऐसी कमी नहीं पाई गई है और अगर कमी पाई जाएगी तो खिलाफ कार्रवाई करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा खबरों के साथ। धन्यवाद। और अधिक समाचारों के लिए पढ़ते रहिए सांध्य बॉर्डर टाइम्स।